हम उन्हें सर सीवी रामन के नाम से जानते हैं। आज उनकी 131वीं जयंती है। चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। वो भौतिकी शास्त्र के ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका प्रभाव आज भी उनके रामन प्रभाव जितना ही प्रभावशाली है। इसी रामन प्रभाव के लिए सर सीवी रामन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। रामन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी। इस महान खोज की याद में 28 फरवरी का दिन भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामन प्रभाव की खोज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल सर सीवी रामन एक बार जहाज से ब्रिटेन जा रहे थे। जहाज के डेक से उन्होंने पानी के सुंदर नीले रंग को देखा। उस समय से उनको समुद्र के पानी के नीले रंग पर अन्य वैज्ञानिकों की व्याख्या पर शक होने लगा। वापिस आकर उन्होंने इस पर अपना शोध कार्य शुरू किया और उन्होंने आसमान और समुद्र का अध्ययन किया। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि समुद्र भी सूर्य के प्रकाश को विभाजित करता है, जिससे समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई पड़ता है। जब वो अपने लैब में वापस आए तो रामन और उनके छात्रों ने प्रकाश के बिखरने या प्रकाश के कई रंगों में बंटने की प्रकृति पर शोध किया। उन्होंने ठोस, द्रव्य और गैस के प्रकाश के विभाजन पर शोध जारी रखा। सर सीवी रामन की शिक्षा कुछ इस प्रकार रही। 12 वर्ष की उम्र में 10वीं पास की। 18 वर्ष की उम्र में पहला रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ। 1907 में मास्टर डिग्री हासिल की। 1906 में प्रकाश विवर्तन पर उनका पहला शोध पत्र लंदन की फिलोसॉफिकल पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय में नौकरी मिली। 1921 में ब्रिटेन जाते हुए पानी के सुंदर नीले रंग को देखा और रामन प्रभाव की खोज 1928 में हुई। 1930 में सर सीवी रामन को नोबेल पुरस्कार मिला। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन को विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वर्ष 1924 में रामन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। वर्ष 1929 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता की। वर्ष 1929 में ही उनको नाइटहुड भी दिया गया। वर्ष 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन और रामन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला। वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए, जबकि वर्ष 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आज हम अपने इस कार्यक्रम में सर सीवी रमन की सबसे बड़ी खोज, जिसका नाम भी उनके नाम पर ही रखा गया, रामन प्रभाव, इसके विज्ञान के बारे में बात करेंगे, जिस पर आज भी काम हो रहा है। तो आइए रुक करते हैं स्टूडियो का। नमस्कार, विज्ञान की रोशनी चारों तरफ फैलाने वाले इस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा त्रिपाठी। आज हम रामन प्रभाव के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका कॉन्सेप्ट सर सीवी रामन ने पूरी दुनिया को दिया था। सर सीवी रामन अपने शोध को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्हें कई वर्ष पहले से ही ये लगने लगा था कि रामन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार जरूर मिलेगा। जिस वर्ष उन्हें नोबेल मिला, उस वर्ष उन्होंने नोबेल पुरस्कार की घोषणा से पहले ही अपना टिकट बुक करा लिया था। आप सोच रहे होंगे कि रामन प्रभाव में ऐसी क्या खास बात है और इससे आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ता है। आज हम इन सवालों के जवाब आपको देंगे। इसमें हमारी मदद करेंगे स्टूडियो में मौजूद दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स विभाग के प्रोफेसर पैट्रिक दासगुप्ता, और हमारे साथ हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT दिल्ली में फिजिक्स के प्रोफेसर AK शुक्ला। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रामन प्रभाव के विज्ञान की बात करने वाले हैं। उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि ये रामन प्रभाव है क्या, रामन इफेक्ट, रामन स्पेक्ट्रम, ये क्या चीज है और ये क्या करती है एक्चुअली। पैट्रिक दासगुप्ता सर, अगर आप हमें बताएं। तो हम जानते हैं कि जब रोशनी अणु से टकराती है तो स्कैटरिंग होती है। अगर उनका रोशनी का जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है तब तो एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये तो चलता रहता है। लेकिन अगर मैच नहीं भी करता हो, जब रोशनी मॉलिक्यूल्स, एटम्स इनसे टकराती हैं, तो स्कैटरिंग होती है। तो
रैले स्कैटरिंग के बारे में पहले से मालूम था। अच्छा। जैसे जब सूर्य की उदय होती है हमको सूर्य तब लाल दिखता है, इसी कारण यह है कि रैले स्कैटरिंग कहता है कि जो कम वेवलेंथ वाला रोशनी है वो ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं। okay. और लाल क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है वो लंबा है वो उतना स्कैटर्ड नहीं होते हैं। तो इसलिए सूर्य जब उदय हो रहा है, क्योंकि काफ़ी जो वायुमंडल काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो जब आते रहते हैं रोशनी, तो जो ब्लू तरंगे हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, लाल तरंग जो है वो हमारे पास पहुंचता है। okay. इसलिए हमको लाल दिखता है। बिल्कुल। तो रैले स्कैटरिंग वो सबको पता था रामन के पहले। तो रामन रोशनी का इंट्रैक्शन अणु परमाणु से उनमें काफी दिलचस्पी थी ये सब अध्ययन करने का। जी जी। तो जब उन्होंने आशुतोष मुखर्जी उनको निमंत्रित किए कि आप आइए फाइनेंस की आप जॉब कर रहे हैं उसको छोड़ के आप गवेषणा कीजिए पदार्थ विज्ञान में, कल्टीवेशन ऑफ साइंस पे, तो उन्होंने एक टीम बनाया था। तो उनका स्टूडेंट था के एस कृष्णन, तो उनके साथ वो काम कर रहे थे कि जब रोशनी कोई कोलोडल सॉल्यूशन के थ्रू से जाता है उसका स्कैटरिंग में क्या क्या हमको क्या क्या असर हमको देखने को आता है। तो उन्होंने ये देखा कि जो रैले स्कैटरिंग होती है लाल तरंगे अगर स्कैटर्ड होंगी लाल भी में जाएंगी, अगर नील के तरंगे आएंगे स्कैटर्ड होंगे नीली होंगे। इन्होंने देखा कि रोशनी जो स्कैटर्ड हो रहा है या तो जो वेवलेंथ है थोड़ा बढ़ जा रहा है या उसी मात्रा में कम हो जा रहा है, जिसको आजकल हम बोल रहे हैं स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन्स। और ये अचंबा करने वाली बात थी क्योंकि स्कैटरिंग में तो वेवलेंथ जो है वो बदलता नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि थोड़ा बढ़ जा रहा है वेवलेंथ और उतना ही घट जा रहा है। जी। तो एक बिल्कुल नया आविष्कार था उस समय के लिए, बहुत ही अलग था। वो उसी को हम बोलते हैं रामन प्रभाव। रामन प्रभाव कहते हैं। 1928 में इसे खोजा, आज 2019 में आप इसे कैसे प्रासंगिक देखते हैं? थ्योरी में तो बात हो रही थी शायद फ्रिक्वेंसी बदल सकती है, लेकिन इतना लोगों ने सोचा नहीं था। और रमन इस चीज़ को जान गए थे, सीवी रमन जी, सर सीवी रमन जान गए थे और उन्होंने जानने की कोशिश की। उस समय हमारा देश काफ़ी गरीब था और ना इक्विपमेंट इतना था, और उन्होंने बहुत ही सिंपल स्पेक्ट्रोमीटर, आजकल तो जितने स्पेक्ट्रोमीटर आ रहे हैं बहुत लाखों के आ रहे हैं, और सोर्स भी नहीं था लैम्प जिसमें कई वेवलेंथ निकलती थी, उसमें से उन्होंने एक वेवलेंथ निकाली डिस्पर्स करके और उससे किया एक्सपेरिमेंट, क्योंकि सारी वेवलेंथ से करेंगे तो आपको प्रभाव दिखेगा नहीं। और दूसरी बात, प्रभाव इतना कमजोर है कि अगर 10^4 फोटोन आप डालते हैं तो एक फोटोन स्कैटर्ड होता है। अच्छा, इसका इतना क्या लो मतलब है? इसका मतलब ये कि इतना लो लाइट डिटेक्शन है। अच्छा। इतना आपको डार्क में जाके करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट तब प्रभाव देख पाएंगे। अच्छा। तो 1928 में रमन जी के पास ज्यादा बहुत अच्छा स्पेक्ट्रोमीटर भी नहीं, बहुत सिंपल स्पेक्ट्रोमीटर से, और उन्होंने पहली बार जब इस प्रभाव को देखा फ्रिक्वेंसी चेंज हुई। उससे पहले लोग थ्योरी में बात करते थे शायद फ्रिक्वेंसी बदल सकती है, जी जी जी, लेकिन रमन जी जब जान गए तो उन्होंने किया और काफ़ी उनको सक्सेस मिली और उन्होंने रिपोर्ट किया। वो पहले एशियन थे जिनको साइंस में नोबेल प्राइज मिला। बिल्कुल। और उससे पहले लिटरेचर में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिल चुका था, तो वो तो अलग बात है। लेकिन अब वही है ना कि आज की डेट में हम लोग देखिए लेजर आ गई, वो एक वेवलेंथ दे सकती है, सिंगल वेवलेंथ। उस समय लेजर थी नहीं, थी लैंप थी, बहुत सारी वेवलेंथ थी, उसमें से भी वेवलेंथ को डिस्पर्स करके हम एक वेवलेंथ लेते थे उससे करते थे। हाँ। और स्पेक्ट्रोमीटर भी बहुत सिंपल था। और आजकल तो इतने अच्छे अच्छे स्पेक्ट्रोमीटर आ गए हैं। आपने जैसे कहा कि रमन स्पेक्ट्रम, रमन स्पेक्ट्रम क्या है? इफेक्ट तो यह है कि फ्रिक्वेंसी बदली, बिल्कुल, लेकिन स्पेक्ट्रम क्या है? ये बहुत सारी जो एक वेवलेंथ ली लेजर लाइट की और उसके वेव नंबर में 100 या 200 वेव नंबर के अंदर कुछ लाइंस आती हैं जो अपनी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी से अलग होती हैं। और वो क्यों आती हैं? क्योंकि जब अणु के ऊपर लाइट गिरती है तो उसमें से कभी कुछ अणु एनर्जी खींच लेता है, कुछ और कम कर देता है और कुछ दे देता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे प्रोफेसर पेटिक ने बोला कि स्टोक्स एंटी स्टोक्स आते हैं, जी जी जी, ये तो अच्छी बात। तो इतना लो लेवल डिटेक्शन था नहीं,
अब आज के डेट में इतने एडवांस स्पेक्ट्रोमीटर आ गए हैं, उसके बाद लेजर लाइट आ गई है, डिटेक्टर, उस समय डिटेक्टर बहुत ही छोटा था, फोटो सेमीकंडक्टर भी नहीं आया था, फोटोडायोड था, फिर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब आया, फिर CCD आया। अब तो हम आज के डेट में इतना लो लेवल डिटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं। जी जी, तो रमन प्रभाव तो रमन जी ने बताया, रमन जी ने बहुत स्टडी भी की उसके बाद, उसकी आज की प्रासंगिकता पे हम बात करेंगे, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी के जीवन में इससे क्या फर्क पड़ता है, किस तरह से इसका प्रभाव रहता है आम आदमी के जीवन पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब ना हो कोई सीमा और ना रहे कोई हद, जब जानना हो हर जवाब और पहुंचना हो हर तह तक, जब मन में हो लाखों सवाल और मिल नहीं रहा हो उनका जवाब, हर सवाल का जवाब अब आपकी स्क्रीन पर। DD साइंस, एक घंटा विज्ञान के नाम, हर रोज सोमवार से शनिवार शाम 5 से 6 बजे तक। DD साइंस आप तक पहुंचाएगा विज्ञान की दुनिया की ताजा उपलब्धियां। DD साइंस सुलझाएगा विज्ञान की दुनिया की हर गुत्थी। DD साइंस बदलेगा आपकी सोच। DD साइंस, एक घंटा विज्ञान के नाम, हर रोज सोमवार से शनिवार शाम 5 से 6 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रामन प्रभाव के विज्ञान की, और इस विज्ञान को समझते समझते ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो प्रासंगिकता है आज के दौर में तो बनी हुई है, लेकिन ये किन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा रहा है अब? जी, तो जो स्ट्रोक्स और एंटी स्ट्रोक्स लाइन्स होते हैं वो हर मॉलिक्यूल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। अच्छा। मतलब हर मॉलिक्यूल्स जो है, क्योंकि मॉलिक्यूल दो या ज़्यादा एटम्स से बंधे हुए हैं, तो ये एटम्स वो वाइब्रेट करते रहते हैं, और ये जो स्ट्रोक्स और एंटी स्ट्रोक्स लाइन्स है वो वाइब्रेशनल लेवल्स का एक सिग्नेचर होता है। तो अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग स्ट्रोक्स और एंटी स्ट्रोक्स लाइन्स का सिग्नेचर रहेगा। तो रामन प्रभाव को लेके हम ये तय कर सकते हैं, कोई एक अननोन वस्तु है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, उसके ऊपर हम लेज़र डालते हैं और जो स्कैटर्ड लेज़र लाइट है उसमें हम देखते हैं रामन प्रभाव में कौन कौन से लाइन्स आ रहे हैं जी। और वो लाइन्स का हम जब वेव नंबर या वेवलेंथ मेजर करते हैं उससे ये पता लग जाता है किस किस्म के केमिकल, किस किस्म के मॉलिक्यूल्स उसमें मौजूद हैं है। जी, जी। तो इससे ये साबित होता है कि आप अगर कोई दवाई, मान लीजिए आपके पास कोई दवाई आया, आपको कैसा पता लगेगा कि दवाई में उस सैंपल में सही मात्रा में फलाना केमिकल है? जो मान लीजिए एक डायबिटीज मेडिसिन में मेटफॉर्मिन होता जी, है जी, जी। कैसे आपको पता लगेगा मेटफॉर्मिन का मात्रा सही है या नहीं? है या तो आप रामन स्कैटरिंग करवाते हैं और देखते हैं कि सही मात्रा में वो है या नहीं। जी, जी, जी। तो रामन प्रभाव आम जिंदगी में बहुत गंभीर रूप से उसका इस्तेमाल हो रहा है। जी। एक टर्म जो आती है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्या है और इसका बेसिक प्रिंसिपल? एक्चुअली बेसिकली आप ऐसे देख सकते हैं जैसे स्कूलों में पढ़ाते हैं स्पेक्ट्रम। हाँ। एक प्रिज्म लिया और लाइट स्पेक्ट्रम डिस्पर्स हो गई जी, जी, जी। तो ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब यह है कि आपने कोई लाइट आ रही है उसको डिस्पर्स किया और उसके बाद एक एक वेव नंबर पे उसको डिटेक्ट किया और फिर उसका स्पेक्ट्रा बनाया। हाँ। तो जैसे पर्टिकुलर वाला कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी वो दिखेगी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, अगर वो जैसे हम ले लें एग्जांपल सिलिकन, उसमें 520 वेव नंबर में लाइन दिखती है जी। तो अगर एक वेवलेंथ दिखती है हर वेवलेंथ तो वही लाइन दिखती है 520 वेव नंबर। तो इसको रमन बहुत ही स्ट्रांग है और उसको देख सकते हैं हम कि कितना स्पेक्ट्रम अच्छा आ रहा है। अच्छा। कि नहीं, तो उसकी वैल्यूज कितनी एक्यूरेट आ रही है। इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो बहुत तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट, सस्ते से लेके बहुत महंगे महंगे तक इंस्ट्रूमेंट है जी। और फिर स्पेक्ट्रोमीटर में भी है कि सिंगल ग्रेटिंग, डबल ग्रेटिंग और तरह तरह की ग्रेटिंग आ गई, होलोग्राफिक ग्रेटिंग आ गई, इसमें तरह तरह की चीजें हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड और कभी
ऐसा कुछ मेटल पार्टिकल रख के भी रमन सिग्नल बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, बिलो डिटेक्शन लेवल जो मैंने अभी बोला। हाँ हाँ। कि सिंगल एटम फ्यू एटम देख सकते हैं। हाँ। और नॉर्मल अगर आप रमन देखेंगे तो उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे मेटल के पार्टिकल रख देते हैं। जी जी। तो उसमें क्या होता है, प्लाज्मोनिक इफेक्ट आता है। वो जब प्लाज्मोनिक इफेक्ट आता है तो रमन सिग्नल बढ़ जाता है। जो इस वक्त रमन प्रभाव पर रिसर्च कर रहे हों स्टूडेंट्स या जो भी रिसर्चर्स, उनके लिए कितना मुश्किल या आसान लगता है दासगुप्ता सर आपको, और आने वाली पीढ़ी के लिए ये रिसर्च कैसा रहेगा इस पर, इस टॉपिक? देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस कर गए हैं जी, तो लेजर का मतलब वो एक ही सिंगल वेवलेंथ में बहुत कोहेरेंट, मतलब फेस कोहेरेंट बीम, बहुत कोलिमेटेड बीम देगा, ताकि एक छोटे छोटे से सैंपल के ऊपर भी बहुत इंटेंस लेजर लाइट आप फोकस कर सकते हैं। जी, जी, जी। तो इससे क्या होता है, जैसे शुक्ला साहब ने कहा कि एक स्टोक्स लाइन्स अगर 10,000 फोटॉन्स हैं तो एक स्टोक्स उनमें से एक ही जो है वो स्टोक्स लाइन देगा। एंटीस्ट्रोक्स लाइन्स का तो मात्रा और भी कम है। एंटीस्ट्रोक लाइन्स देखना और भी मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन अगर लेजर इतना पावरफुल लेजर है, उसमें इतने सारे फोटॉन्स होते हैं कि उसका जो एक फ्रैक्शन है वो स्ट्रोक्स लाइन्स दिख ही जाता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से आजकल ये एक्सपेरिमेंट जो रमन प्रभाव के आधारित है वो उतना मुश्किल नहीं है। इसलिए इनोवेशन चाहिए कि हाँ, रमन प्रभाव तो है लेकिन मैं किस अलग अलग तरीके से मैं रमन प्रभाव का इस्तेमाल करके कुछ अलग चीज बना सकूं आज के दिन में। नैनो मटेरियल्स है, आप ले लीजिए, अलग अलग छोटे छोटे डिपॉजिट कीजिए, सोने की डिपॉजिट कीजिए या हीरा की छोटे छोटे कण डिपॉजिट कीजिए, फिर देखिए रमन प्रभाव इसके ऊपर क्या नया चीज लाता है। तो ये इनोवेशन चलता रहेगा और बहुत ही इसमें बहुत एक्साइटमेंट है। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए तो ये बहुत ही एक्साइटिंग रिसर्च फील्ड है जी। आज भी इस तरह का रिसर्च शुक्ला सर आपने भी किया है, इस सब पर भी हम अब थोड़ी देर में बात करेंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड। अंतरिक्ष की गहराइयों के सवाल, गहरे होते चिकित्सा के तरीकों के सवाल, इंजीनियरिंग के आयामों के सवाल, विज्ञान की नई उपलब्धियों के सवाल, सवालों के ऊपर सवाल, तब हम देंगे हर सवाल का जवाब। जी हां, हर सवाल का जवाब अब आपकी स्क्रीन पर। डीडी साइंस, एक घंटा विज्ञान के नाम, हर रोज सोमवार से शनिवार शाम 5 से 6 बजे तक। जब ना हो कोई सीमा और ना रहे कोई हद, जब जानना हो हर जवाब और पहुंचना हो हर तह तक, जब मन में हो लाखों सवाल और मिल नहीं रहा हो उनका जवाब, हर सवाल का जवाब अब आपकी स्क्रीन पर। डीडी साइंस, एक घंटा विज्ञान के नाम, हर रोज सोमवार से शनिवार शाम 5 से 6 बजे तक। डीडी साइंस आप तक पहुंचाएगा विज्ञान की दुनिया की ताजा उपलब्धियां। डीडी साइंस सुलझाएगा विज्ञान की दुनिया की हर गुत्थी। डीडी साइंस बदलेगा आपकी सोच। डीडी साइंस, एक घंटा विज्ञान के नाम, हर रोज सोमवार से शनिवार शाम 5 से 6 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रमन प्रभाव के विज्ञान की, रमन प्रभाव आज के दौर में कितना प्रासंगिक है। शुक्ला सर, आपने बहुत सारा रिसर्च खुद भी किया है रमन प्रभाव पे, उसके बारे में हमें बताइए कि वो कैसे, क्या आगे बढ़ा है इस रिसर्च में। एक्चुअली मेरा रिसर्च मेनली सेमीकंडक्टर में रहा है शुरू से जी, जी। और जो डिवाइसेस बनते हैं सिलिकन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, तो मैंने उसी पे किया है जी। और सिलिकन के ऊपर कुछ कई बार बाहर के फॉरेन डोपेंट डाल दिए जाते हैं, बोरान, फास्फोरस, आर्सेनिक, तो उसका मैंने रमन प्रभाव देखने की कोशिश की है। और मेरा एक रिसर्च 20 साल से ज़्यादा हो गया है, हमने काफ़ी प्रोजेक्ट भी किए हैं, पेपर भी पब्लिश किए हैं। तो बेसिकली जब फॉरेन एटम डालते हैं उसकी कंडक्टिविटी चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल वाले कह देते हैं कंडक्टिविटी चेंज हो गई जी, जी, जी। लेकिन उनके अंदर वाइब्रेशन भी हैं फोनान,
तो वो उसको देखने के लिए हम लोग रमन प्रभाव से बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। और ये रमन प्रभाव जो है वो वाइब्रेशन के बारे में बताता है, वो वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को कंट्रोल भी करती है। ये वाइब्रेशन ही तो हैं जो वाद्य यंत्रों में भी हम इस्तेमाल करते हैं। दास गुप्ता सर वो कैसे? तो रमन साहब वो भारतीय वाद्य यंत्र पे काफी दिलचस्पी रखते थे और वो देखना चाहते थे कि जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स है उसके कंपैरिजन में भारतीय वाद्य यंत्र का जो टोन प्रोड्यूस होता है, जैसे कोई भी मैं अगर सितार को अगर प्लक करूं स्ट्रिंग वो एक साउंड देता जी, है बिल्कुल। उसी पिच का मैं अगर वायलिन को प्लक करूं साउंड देता है, लेकिन सितार का साउंड और वायलिन का साउंड अलग होता है। इसकी वजह है कि मेन पिच सेम होने पर भी ओवरटोन्स होते हैं। तो उन्होंने अलग अलग भारतीय वाद्य यंत्र का जो ओवरटोन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ओवरटोन्स कैसे रहते हैं वो बहुत गंभीर मात्रा में अध्ययन किए थे। और उन्होंने ये सिद्ध किया था कि मृदंगम हो या तबला हो उनके जो ओवरटोन्स हैं वो पाश्चात्य ड्रम इंस्ट्रूमेंट से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स ओवरटोन्स हैं। अच्छा। तो इन चीजों पे उन्होंने रमन प्रभाव डिस्कवर करने के पहले इन चीजों में बहुत सारे गवेषणा पेपर्स पब्लिश किए थे। फिर उसके बाद रमन प्रभाव के बाद उन्होंने हीरा मोती ओपाल जैसे बहुत ही कीमती जेम्स के ऊपर भी उनका इंटरेक्शन एक्सरे से यूवी रे से कैसा होता है वो भी अध्ययन किए थे। बहुत अच्छा। रमन प्रभाव का स्पेस साइंसेस में भी इन्वॉल्वमेंट है? हाँ, एक्चुअली स्पेस साइंस है क्या, बेसिकली कॉस्मिक रे वगैरह और आयनाइज एटम वगैरह हैं। अगर आप यहाँ से लाइट भेजते हैं तो रिमोट सेंसिंग भी बड़े आराम से कर सकते हैं कि उस समय उस प्लैनेट के आसपास कौन कौन सी चीजें पाई जा सकती है। जी, तो जी। रमन प्रभाव वहाँ भी यूज होता है और उसके सिग्नल जब वापस आता है उस सिग्नल को स्पेक्ट्रम के द्वारा हम एनालाइज करते हैं और हम बहुत कुछ बता सकते हैं कि उस समय उस प्लेनेट के पास में कौन कौन से एटम्स हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये तो इसका एप्लीकेशन तो बहुत है। मिलिट्री में बहुत है, रमन का मिलिट्री में भी है कि रिमोट सेंसिंग वगैरह टारगेट कोई है, आपने लाइट भेजी पल्स लेजर भेजी या वहाँ से वापस आई तो आपने उसको उसका रमन प्रभाव भी देख सकते हैं, फ्लोरोसेंस वगैरह भी देख सकते हैं। फ्लोरोसेंस बहुत ज्यादा होता है और रमन प्रभाव तो बहुत कम होता है। मैंने जैसे बताया लो लाइट डिटेक्शन है बहुत, तो उसको फ्लोरोसेंस को काट के और लो लेवल लाइट डिटेक्शन, तो उसका बहुत सारे एप्लीकेशन है। मेडिकल में बहुत ज्यादा है, लोग मेडिकल में कैंसर सेल वगैरह को एनालाइज करने के लिए नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या फर्क है और उसमें भी बहुत अच्छा प्रभाव है जो कि रमन प्रभाव तक बदली। तो रंगों के सिद्धांत का भविष्य आप क्या देखते हैं? देखिए जो हमारा जो रेटिना है उसमें रॉड्स कोन्स जो है उससे हमको अलग अलग विभिन्न रंग का जो विभिन्नता है ये हमको महसूस होता है। सारे पृथ्वी पे जीव जंतु हैं, सारे जीव जंतु में ये एबिलिटी नहीं है। जैसे आप अगर गाय भैंसों को ले लीजिए वो सारे रंग देख नहीं सकते हैं। तो क्योंकि मनुष्य में ये क्षमता है इसलिए रंगों से चित्रकारिता आर्ट एक बहुत ही डेवलप्ड फील्ड है। तो इसीलिए रंग जो रोशनी के साथ जुड़ा हुआ है और रमन प्रभाव भी रोशनी का रंग के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक जो वैज्ञानिक रिलेशन है उसकी वजह से इनमें बहुत आने वाले पीढ़ियों में बहुत ज्यादा रिसर्च होगी। जैसे नैनो मेटेरियल्स होते हैं, नैनो मेटेरियल्स से छोटे छोटे आप जो डिपॉजिट करते हैं उसको थोड़ा ट्यून करके अलग अलग रंग, वस्तु वही है लेकिन उसका साइज अगर चेंज कर देंगे अलग अलग रंग उसमें से निकलेगा। तो डोर पेंट या वॉल पेंट आप नैनो मटेरियल से अलग रंग उसमें से निकाल सकते हैं। तो रंगों का खेल तो जिंदगी में हमेशा रहता रहेगा। बिल्कुल। सर सी वी रमन की ये जो खोज है इसने किन अध्ययनों को
सहज बनाया है उस वक्त से लेकर अब तक पिछले इतने सालों में 1928 टू 2019, किन अध्ययनों को आप याद करते हैं जिनको इसने सहज बनाया जो आसान हो गए करने? अब इसमें तो बहुत लंबी चौड़ी चीज है, एक आध चीज तो हम बता ही सकते हैं। जैसे मैंने बताया मेरा रिसर्च सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वगैरह है, उसके मटेरियल जो यूज होते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं देखते, सिर्फ रमन प्रभाव देखते हैं उसका कितना है, और उसमें भी रमन प्रभाव में कुछ प्रभाव बहुत ज्यादा है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर स्कैटिंग है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, कुछ प्रभाव ऐसा है वीक है सेकंड ऑर्डर स्कैटिंग, वो भी देखते हैं। तो बेसिकली अंदर उनका कैसे वाइब्रेशन, जैसे वाइब्रेशन जगदीश गुप्ता जी ने बताया वैसे वाइब्रेशन, किस तरह की वाइब्रेशन चल रही है और उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग तो सेमीकंडक्टर में देख रहे हैं, मेडिकल साइंस वाले अपना सेल्स टिश्यूज और कैंसरस सेल ये वगैरह देख रहे हैं, केमिकल वाले केमिकल कंपोजिशन वगैरह कितना उसके मिलावट है, कितनी उसमें कम से कम लेवल पर डिटेक्शन कर सकते हैं। जी जी। तो इस तरह के सिविल इंजीनियरिंग वाले अपना मटेरियल वगैरह सिविल के जो बना रहे हैं, कंक्रीट बना रहे हैं, उसमें क्या है। तो रमन इफेक्ट तो हर जगह, हर पदार्थ में, हर चीज में, चाहे वो काली रंग की चीज हो चाहे सफेद हो। हाँ। सफेद में ज्यादा अच्छा दिखती है और काली में थोड़ा कम दिखती है, लेकिन दिखता सब में है, दिखता सब में है। जैसे सुपर कंडक्टर पहले आया था तो उसमें प्रभाव बहुत ही कम था क्योंकि बिल्कुल ब्लैक था। जी जी जी। और वो प्रभाव में शुरू शुरू में लोग देख नहीं पाए, लेकिन बाद में हमने कहा स्पेक्ट्रोमीटर में एक इंटीग्रेशन टाइम है, सिग्नल को काफी देर तक स्टोर करते जाओ जी जी, अब फिर उसको बाद दिखेगा, तो ब्लैक सैंपल का भी दिख जाता है। बढ़िया बढ़िया। तो रामन प्रभाव भले ही 1928 में खोजा गया बट आज भी इतना प्रासंगिक है और उसका बहुत सारा इस्तेमाल हमने जाना आज। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी राय और सुझाव हमें नीचे लिखे गए पते पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें दें इजाजत, नमस्कार।